गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 9 की सब्जेक्ट मैथ का। आप सभी का ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। हम प्रश्नावली 1 की शुरुआत करेंगे। जो प्रश्नावली 1 है हमारे पास संख्या पर थी, इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम। देखिए, जब भी हम गणित की बात करते हैं तो हम गणित की शुरुआत करते हैं अंकों से। गणित में अंक 10 होते हैं, जिनको हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से और 9 तक से ये सभी क्या कहलाते हैं? अंक। और इन अंकों से हम कितनी भी संख्या बनाई जा सकती है, अपरिमित रूप से अनंत संख्या बनाई जा सकती है। तो इन अंकों के बाद जो नंबर आता है तो आता है संख्या। और जो हमारी पूरी गणित है वो देखेंगे किस पर? संख्या। हमारे व्यवहारिक कार्य में गणित काम आती है, तो वहां भी क्या काम आती है? संख्या। किसी कार्य में, किसी मकान बनाने में, पुल बनाने में, प्रत्येक हम कार्य करेंगे हमारे मानव जीवन से संबंधित, उसमें गणित का प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं पर गणित का प्रयोग होता है। और गणित का प्रयोग सबसे ज्यादा रूप से होता है हमारे व्यवहारिक जीवन या दैनिक जीवन में, होता है संख्या। और हमारी पूरी जो गणित है वो देखेंगे इस पर संख्या। तो हम चर्चा करेंगे आज संख्याओं के बारे में कि संख्या किस प्रकार से होती है, कैसे इन्हें व्यक्त किया जाता है, कौन कौन सी संख्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सुनिए, जब हमें किसी भी संख्याओं को एक से गिनना प्रारंभ करते हैं, किससे गिनना कर प्रारंभ करते हैं? एक से, और अनंत तक गिनते रहते हैं। जो अनंत तक संख्या जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अर्थात एक से और अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। ऐसी संख्याएं या एक से अनंत तक की सभी गिनती की संख्या, एक से और अनंत तक की सभी गिनती की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे हम इसको लिखे तो मेरे व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करने के लिए प्राकृत संख्याओं को हम एन से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से। और इसको लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4 और ये अनंत। 1, 2, 3, 4 कैसे शून्य अनंत तक एक से गिनना प्रारंभ करें और अनंत तक गिनते ही रहें तो ये संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। एक से और अनंत तक जितनी भी गिनती की संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्राकृत संख्या। अब दूसरी संख्या आती है हमारे पास पूर्ण संख्या। देखिए, जब हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में पता कर लिया तो हमने ये पाया कि एक से और अनंत तक की सभी संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं
संख्याओं में, जैसे 10 है, 10 में जीरो भी आता है, तो ये जीरो हमारे पास नहीं था, नहीं था ना, हमने जीरो को भी तो शामिल करना था, और जब हमने जीरो को भी प्राकृत संख्याओं में शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्याओं को हमने क्या कह दिया, पूर्ण संख्या कह दिया। तो अब क्या हो जाएगा, जीरो से और अनंत तक सभी गिनती की संख्याएं क्या कहलाई, पूर्ण संख्या कहलाती, क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। और इनको पूर्ण संख्या डब्लू से व्यक्त करते हैं, पूर्ण नंबर जिन्हें बोलते हैं इसे डब्लू से व्यक्त करते हैं, और इसमें क्या शामिल हो जाएगा, केवल जीरो, जीरो और शामिल कर लिया तो ये किसमें बदल गई, पूर्ण संख्या। पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है एक से और अनंत तक के सभी गिनती की संख्या। जब हमने एक से अनंत तक के सभी संख्याओं के बारे में जान लिया तो हमें आवश्यकता पड़ी जीरो की, और जब जीरो को हमने प्राकृत संख्याओं में शामिल कर दिया तो उन सबका नाम दिया हमने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो गई, जीरो से अनंत तक के सभी गिनती की संख्या। अब हमसे पूछ लिया जाए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही अंतर है कि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। क्या डिफरेंस आया दोनों के बीच में, केवल जीरो, इसमें जीरो शामिल किया गया है और इसमें जीरो शामिल नहीं किया गया। हमने पढ़ी दो चीजें, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, उतारेंगे। आगे देखेंगे, कुछ विशेष लिख लेते हैं, नोट लगा के लिखेंगे हम, इसमें क्या है। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। ये पूरी संख्या इसमें आ जाएगी क्या, ये पूरी संख्या इसमें आ जाएगी क्या, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा बाकी तो ऐसे कैसे, तो ये पूरी संख्या इसमें आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये सभी
अर्थात प्राकृत सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसका उल्टा कहें तो सभी पूर्ण संख्या इसमें आ जाएगी क्या, ये पूरी संख्या इसमें आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि क्या बन जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं। दूसरा इसमें लिखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, देखिए प्राकृत संख्या ये है, इनमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी है, सबसे छोटी संख्या क्या है, एक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, एक। आगे देखिए तीसरा, और सबसे छोटे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या आ रही है, कौन सी संख्या आ रही है, जीरो। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। अब पढ़ेंगे हम अगला पूर्ण। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या थी एक से और अनंत, हमें पढ़ी जीरो की आवश्यकता, जीरो को भी हमने प्राकृत संख्याओं में मिला लिया, तो हमारे पास आ गई क्या, पूर्ण संख्या। अब पढ़ेंगे साहब, हमें आवश्यकता पड़ी कि सब हमने जीरो भी ले लिया, प्लस की सभी संख्याएं ले ली, हमारे पास अब हमें चाहिए माइनस की संख्या। अब माइनस की संख्याओं को भी शामिल करें, तो जब माइनस की संख्याओं को भी हमने पूर्ण संख्याओं में शामिल कर दिया, तो हमारे पास एक अलग संख्या प्राप्त हुई, जिसका नाम दिया गया हमें क्या, पूर्णांक। क्या दिया गया, तीन नंबर पे पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होगा, जीरो से अनंत तक, अनंत तक तक की सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याएं, क्या कहलाती हैं, पूर्णांक, पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए इनको व्यक्त करते हैं हम आई से। अब साहब हमारे पास पहले तो एक से अलग तक की संख्या आई, जीरो शामिल किया पूर्ण संख्या बनी, अब हमने माइनस की संख्या भी शामिल कर, अब हमारे पास आ रहे क्या, इनको हम इस प्रकार दर्शाते सकते हैं, जीरो बीचों बीच में लिखते हैं, इसके इधर प्लस की संख्या लिखते हैं, और एच शून्य कहां तक, इन्फिनिटिव अर्थात अनंत, इधर आएंगे माइनस की संख्या, जैसे माइनस एक, माइनस दो,
माइनस एट एज सून माइनस का अनुपात। जब हमने माइनस की सभी संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया, किसमें? जब यहां से इधर की संख्या तो क्या कहलाएंगे, ये तो जीरो से और इधर की संख्या तो क्या हो गई, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। जब इनको भी इसमें शामिल कर लिया ये पूरी संख्या क्या बन गई, पूर्णांक। और केवल मैं यहां से ये संख्याओं को लूं तो ये क्या हो गई, घातीय संख्या। और इन सभी को एक साथ लेंगे तो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो। माइनस एक से इधर वाले सभी होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से होते हैं? ऋणात्मक। जीरो से इधर वाले सारे पूर्णांक क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो से इधर वाले सारे पूर्णांक क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक अर्थात धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। यह ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, यह धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। और ये क्या है, शून्य पूर्णांक। कौन सा है? शून्य पूर्णांक अर्थात जीरो। ये उदासीन होता है, ये न माइनस का होता है और न ही प्लस का, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इस अकेली संख्या की कोई वैल्यू नहीं होती, अकेले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। और जब इसका किसी संख्या के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है, लेकिन अकेले जीरो का कोई महत्व नहीं है, चाहे इसको जोड़े इसका कोई महत्व, चाहे घटाए तो कोई महत्व। लेकिन जब इसको गुणा और भाग किया जाता है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कितनी भी बड़ी संख्या हो गुणा करने पर क्या कर देती है, जीरो कर देती है। तो इसका महत्व बढ़ाना गुणा करने पर, और जब जीरो का भाग किसी में देते हैं तो ये क्या कर देती है, उसको अनंत बना देती है। तो इसका महत्व दो चीजों में होगा, अकेले का कोई महत्व नहीं है, प्लस माइनस में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व होगा कहां, गुणा और भाग में या किसी संख्या के आगे लगने पर। तो ये क्या है, इसका महत्व बढ़ जाता है। अगला देखिए चौथा, और चौथा देखिए, देखिए हमने संख्याएं पढ़ी, एक से अनंत तक की गिनती संख्या पढ़ी, जीरो को भी शामिल किया, माइनस की संख्या भी शामिल कर ली। लेकिन कभी कभार हमारे ऐसे भी काम में आते हैं कोई संख्या पूरी पूरी नहीं होती, हम दो बट तीन भी लिखते हैं, संख्या बटे में भी आ जाती है, पांच बटे तीन, सात बटे पांच, इस प्रकार से संख्याएं बटे में भी आ जाती है। तो इनको व्यक्त करने के लिए इनमें से कोई सा भी काम नहीं होता, आया क्या, इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं, सब गिनती की संख्या है जो गिनते हैं, एक दो तीन चार पांच, इस प्रकार से सारी गिनती की संख्या है। लेकिन बटे वाली संख्या को व्यक्त करने के लिए कोई संख्या ही नहीं आया तब, तो फिर हमने प्रयोग किया, फिर लेके आए एक नई चीज हम, और उसको कहा हमने परिमेय संख्या। क्या कहा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q कोष्ठक में अंश बटे घर
अंश बटे हर के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता हो। तथा क्यों बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए। देखिए पी बटे क्यू के रूप में तो हम लिखते संख्या को, लेकिन क्यों के स्थान पर क्या नहीं हो, जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में बटे में यदि जीरो आ जाए तो वो उस संख्या को बना देता है क्या अनंत। किसी भी संख्या में जीरो से हम भाग दें तो हमेशा हमें क्या आता है, अनंत। इसलिए इसमें क्या नहीं आना चाहिए, बटे में क्या नहीं आना चाहिए, अर्थात क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए उदाहरण के लिए लिखे हम एग्जाम्पल के लिए, जैसे रहा दो बटे पी बटे क्यू के रूप में, बटे के रूप में, बटे के रूप में क्यू का मान जीरो है क्या, अच्छी संख्या का मान जीरो है क्या, हर का मान जीरो है क्या, नहीं है। जब हर का मान जीरो नहीं है तो क्या है ये परिमेय संख्या। इसी प्रकार मैं लिखूं जीरो, क्या जीरो परिमेय संख्या है, है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं एक, तो जीरो बटे एक, चाहे अंश में जीरो से कोई मतलब नहीं है, हमने लिखा है क्यों का मान जीरो नहीं हो, अर्थात हर का मान जीरो नहीं हो, तो हर का मान जीरो है क्या, नहीं है, तो ये क्या है परिमेय संख्या। मैंने लिखा एक बटे जीरो, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्यों, अंश में क्या, हर में क्या आ गया जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या नहीं है परिमेय संख्या। जैसे लिखा 2.5, क्या ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू के रूप में हम ले सकते हैं, यहां से हटाइए एक पॉइंट के बाद एक संख्या की जीरो रखें, ये भी क्या है परिमेय संख्या। इस प्रकार की संख्याएं क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। उतार लीजिए अगला पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। सेम इसका होता है, देखिए वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो नहीं लिखा जा सकता हो, तथा क्यों बड़ा क्यों नॉट इक्वल टू जीरो को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए क्यों नॉट इक्वल टू जीरो यहां है, यहां भी समान है, अपरिमेय संख्या में भी क्यों का मान जीरो नहीं होना चाहिए और परिमेय संख्या में भी क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए, हर का मान दोनों में जीरो नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पी बटे क्यू के रूप में हम नहीं ले सकते हो। वैसे संख्या एग्जाम्पल के लिए लिखे, देखिए जैसे हमारे पास एक ऐसी संख्या है
मैं ये नहीं पता चल रहा कि अगला संख्या क्या है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे मैं यहां लिखता 2 3 5 7, फिर आता 3 5 7, फिर आता 3 5 7, तो हमें पता चलता है फिर आएगा 3 5 7, पुनरावृत्ति हो रही है इन तीनों अंकों की। ये तो क्या हो जाते हैं, परिवेश संख्या। लेकिन इसमें पता नहीं चला 3 5 7 8 7 5, पता नहीं चला कि अगली संख्या कौन सी आई, इसलिए ये क्या है, अपरिवेश संख्या। यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए इन्हें हम बी पट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। और एग्जांपल लिखे हैं तो अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे अंडर रूट 2 है, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है क्या, वर्गमूल निकलता ही नहीं 2 का पूरा पूरा। फिर 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9 भी आएगा क्या, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, अर्थात इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा है। जब पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं कि अपरिमेय। ये किसमें शामिल नहीं होगी, अपरिमेय संख्या। अर्थात वे सभी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या कह रहा है, नोट डाल दिया ये चिन्ह बना के हो गया अंडर रूट, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, नहीं होता है, अपरिवेश संख्या। क्या होती है, अपरिवेश वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होगी, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आप इसमें परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं शामिल होंगी। जैसे लोग एग्जांपल के लिए लिख दूं, जैसे 2/5 भी आ जाएगा, अंडर रूट 2 भी आ जाएगा, अंडर रूट 3 भी आ जाएगा, इसमें 7 भी आ जाएगा, ये सभी संख्याएं क्यों नहीं परिमेय वास्तविक, ये सभी संख्याएं वास्तविक। हमसे ये पूछा जाए क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परिमेय सभी आती है उसमें, अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, होती है क्योंकि ये भी इसमें आती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पूरा समुच्चय होता है, समुच्चय का मतलब
अपरिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला लिया जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। तो ये हमारी क्या हो गई? वास्तविक संख्या। एक बार सबका रिवीजन दोबारा करते देखिए। सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से और अनंत तक के सभी गिनती की संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या। इसके बाद हमें जीरो की आवश्यकता पड़ी तो प्राकृत संख्या में हमने जीरो को शामिल कर लिया। जीरो से और अनंत तक की संख्याएं हो गई और उन सभी संख्याओं को हमने क्या कहा? पूर्ण संख्या। जब जीरो भी हमने शामिल कर लिया तो हमें माइनस की संख्याओं की आवश्यकता पड़ी और जब हमने पूर्ण संख्याओं में माइनस की सभी संख्याओं को भी शामिल कर लिया तो हमारे पास प्राप्त हो गया क्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या हुई? जीरो से अनंत तक सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। जब पूर्णांक भी हमारे पास आ गया तो हमें बटे वाली संख्याओं की आवश्यकता पड़ी अर्थात पॉइंट वाली संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। जब पॉइंट वाली संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने एक नया नाम दिया परिमेय संख्या अर्थात वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा क्यू का मान जीरो नहीं हो। क्यू का मान क्या नहीं हो? जीरो। अर्थात हमें दो ही संख्या हो लेकिन जीरो नहीं हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने लिख ली लेकिन फिर आया है परिमेय संख्या। भाई पॉइंट वाली संख्याओं को पॉइंट हटा के जीरो लगा के पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन वो संख्या भी जिनमें अंकों की आवृत्ति नहीं होती जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते तो ऐसे संख्याओं को फिर नाम दिया हमने क्या? अपरिमेय संख्या। क्या नाम दिया? अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो तथा क्यू का मान क्या हो? जीरो को अपरिमेय संख्या कहलाती है। अंडर रूट के अंदर आने वाली ये सभी संख्याएं जिन्हें पूरा क्या नहीं होता वर्गमूल नहीं होता तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। आगे फिर आया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नाम कब दिया? जब हमसे कहा गया है अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को एक साथ मिला दो। जब परिमेय अपरिमेय सभी संख्याओं को हमने एक साथ मिलाया तो हमारे पास दोनों संख्याएं इकट्ठी हो गई तब उनको हमने नाम दिया क्या? वास्तविक संख्या। परिभाषा क्या है? परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही काफी। आगे की चर्चा